हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा और फाइनली आज हम कश्मीर के लिए निकल चुके हैं और हम दिल्ली से श्रीनगर प्लेन से जाएंगे। वैसे तो यहाँ आने की दो ऑप्शन हैं, ट्रेन और प्लेन, लेकिन मुझे बेस्ट ऑप्शन प्लेन लगा, खास करके इस विंटर पे। और ये हम दिल्ली से श्रीनगर के लिए निकल चुके हैं और ये देखिए क्या नज़ारा है। अभी हम कश्मीर पहुँचे ही नहीं हैं और हमें ये देखने के लिए मिल गया, सारे माउंटेन बर्फ़ से ढके हुए। आप देख सकते हैं, आपने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। और अब कुछ ही देर में हम श्रीनगर पे होंगे और इस समय हम हाउस बोट पे हैं। 6 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचने में। यहाँ का देखिए सारी चीज़ें वुडन की है, खूबसूरत वर्क है इसमें। पर ये शूज हमें बाहर उतारने होते हैं, अंदर कारपेट बिछे हुए हैं इसलिए। और ये यहाँ का लिविंग रूम है, देखिए क्या खूबसूरत वर्क है वुडन में, बहुत ही खूबसूरत। और ये यहाँ इस रूम पे हीट पैदा करती है, इसके अंदर लकड़ी डाला जाता है और उसे जलाया जाता है। देखिए लकड़ी भी यहाँ पे रखी हुई है। और ये पाइप से धुएं जो है बाहर चले जाते हैं। काफी अच्छा हीट देती है। और चलिए मैं रूम दिखाती हूँ आपको, बहुत सारे रूम हैं इस हाउस बोट पे, ये सारे रूम हैं। और अभी तो फिलहाल हम लोग ही हैं, तो सारा बोट अपना ही है। और ये यहाँ का ये रूम है, देखिए इस तरह से बेड दिया हुआ, डबल बेड और एक सिंगल बेड भी। और देखिए यहाँ पे भी उस तरह का हिट करने वाला यहाँ भी दिया हुआ है इस रूम पे। और बेड पे भी इलेक्ट्रॉनिक हिट है दिया हुआ है। और यहाँ का ये बाथरूम, देखिए इस तरह से बाथटब भी दिया हुआ है, टॉवल वॉवल सब दिया हुआ है। हमने यहाँ पे 2 रूम लिए हुए थे, मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ की ये सुपर डिलक्स रूम है, यहाँ पे भी सिंगल बेड और डबल बेड दिया हुआ है, देखिए बहुत ही खूबसूरत। यहाँ भी देखिए हीट वाली यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ का भी वॉशरूम सेम ही है, पहले वाले जैसा ही है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक हीट है बेड पे। चलिए अब यहाँ खाने के लिए बुलाया गया है तो खाना खा लिया जाए। देखिए यहाँ की रोटी, ये राइस, सारे यहाँ पे जैसा खाना चाहते हैं वैसा मिल जाएगा, वेज नॉन वेज हर तरह से। और ये मेरी प्लेट, और खा लेते हैं खाना। और सफ़र से काफ़ी थक चुके हैं तो इसके बाद अब आराम करेंगे।
यहाँ से सोना है, ठीक है मैम। इसमें भी सिर्फ मैं फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपको चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मतलब इसका भी दोनों साइड है, एक साइड से नहीं होगा। अच्छा, और वो छोटे बेड पे भी हीटिंग लगा हुआ है, उसमें भी आप फंक्शंस यूज कर सकते हो। तो उसमें लगा हुआ है? हाँ, इसमें भी, और वहाँ पे भी जो रूम है उसमें भी लगा हुआ है। बेड अच्छी खासी हीट हो गई है, तो अब आराम से नींद आ जाएगी। आइए अगले दिन सुबह ये सिकारा राइड पे जाएंगे। अभी हमारे लिए खड़ी है सिकारा जो है, देखिए दिन पे कैसे दिखती है। और ये हम सिकारा राइड पे निकल चुके हैं, और ये जो सामने दिख रही है सब शॉप है। आप यहाँ पे सिकारा राइडिंग करते हुए शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ज्वेलरीज। हम जब गुजर रहे थे यहाँ से तो ज्वेलरीज, केसर और कपड़ों का उलन वाला, स्वेटर, साल, साड़ी, घूमिए भी, शॉपिंग भी करिए, सिकारा राइडिंग का यहाँ पे मजा लीजिए। ओवरऑल हमारा वन नाइट बहुत ही अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साइट सीन्स भी है, तो हमने उसे लास्ट डे पे रखा हुआ है। हम यहाँ पे 5 डे स्टे करने वाले हैं, और अगला हमारा सोनमर्ग होगा। हम ये सिकारा राइडिंग के बाद सोनमर्ग के लिए ही निकलेंगे। ये 1 घंटे का सिकारा राइडिंग होता है। अब हम सिकारा राइडिंग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में सोनमर्ग के।